समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। हसन साहब, मैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगला यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कोई कुरान के खिलाफ नहीं है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जो कुरान की हिदायत के खिलाफ तो हम उसे मानने को तैयार हैं। लेकिन इसमें तमाम जो पर्सनल कानून है, पर्सनल लॉ है, वो सब खत्म हो जाएंगे और ट्रिपल तलाक जैसी बुराइयां हैं उसके लिए तो कानून पहले ही आ रहा है। वो तो पहले ही आ चुका है, ट्रिपल तलाक भी लोग नहीं फॉलो कर रहे, आज भी हो रही हैं और लोग मान भी रहे हैं। तो देखिए, ये देश धार्मिक देश है, हिंदू भाई अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके अलग रिचुअल्स हैं, मेरे अलग रिचुअल्स हैं, आपके यहाँ फेरे लिए जाते हैं, मैं निकाह करता हूँ, मेरे यहाँ लोगों को दफन किया जाता है और आपके यहाँ जलाया जाता है, क्योंकि हम सब एक साल एक से। लेकिन हसन साहब, इसके पीछे जो दलील दी जा रही है कि जो पर्सनल लॉज हैं उनमें कई सारी बुराइयाँ हैं तो वो सब दूर करने के लिए लाया जा रही है। देखिए, अगर पर्सनल लॉज के अंदर, क्योंकि हम मुसलमान, तमाम दुनिया के मुसलमान कुरान पाक को लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के कानून मानते हैं, तो हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम और किसी चीज़ को फॉलो करना नहीं चाहते। तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं यूसीसी? अगर कुरान के खिलाफ है, हम विरोध कर रहे हैं जबरदस्त।